मेरी बात को शांति चित से समझने का प्रयास करो। वो सब मैं कुछ नहीं जानती, मैं केवल इतना जानती हूँ कि यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरे साथ उस यज्ञ में अवश्य चलेंगे, अन्यथा कह दीजिए कि आपको मुझसे प्रेम ही नहीं है। सती, आज आपको निर्णय लेना ही होगा। बोलिए महादेव, बोलिए। मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करता हूं सती। तो फिर सिद्ध कीजिए, कहिए आप मेरे साथ यज्ञ में चलेंगे ना? आज आपको निर्णय लेना ही होगा महादेव। ठीक है सती, यदि तुम मेरी प्रेम की परीक्षा लेना चाहती हो तो मैं अवश्य चलूंगा। सच? हाँ सती, परंतु उससे पहले तुम्हें भी अपने प्रेम की परीक्षा देनी होगी। कैसी परीक्षा? यज्ञ में जाने से पूर्व तुम्हें पूर्ण रूप से आदिशक्ति बनना होगा। मना करना ही था तो स्पष्ट रूप से कर देते, यूं शब्दों में उलझाने की क्या आवश्यकता थी? छीनना ही था तो क्षण भर की खुशी क्यों दी आपने? सती, मैं तुम्हें अनंत आनंद देना चाहता था। वो सच्चे आनंद तुम में ही समाहित है। आदिशक्ति की पूर्णता अनुभूति के पश्चात ही तुम परमानंद को प्राप्त कर लोगे। बस तुम्हें सच्ची लगन से प्रयास करना होगा। बताइए क्या करना होगा मुझे? आदिशक्ति की प्राप्ति तुम्हें साधना से होगी सती, और कल प्रातः से तुम्हारी साधना आरंभ होगी। कण-कण में व्याप्त अनादि ब्रह्म, प्रजापति दक्ष का प्रणाम स्वीकार हो। हे विष्णु प्रिय, आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता, यहाँ पे आने का आशा प्रजापति? परिवार के दायित्वों से मुक्ति पाने के पश्चात मैं अपना संपूर्ण जीवन समाज को समर्पित करना चाहता हूं। नवजीवन की सफलता हेतु श्वेत कोटि यज्ञ का आयोजन कर रहा हूं। इस यज्ञ में आप दोनों को आमंत्रित कर कृतार्थ होना चाहता हूं। कृपया मेरा निमंत्रण स्वीकार कीजिए। हमने सुना है आप अपने यज्ञ में महादेव का बहिष्कार कर रहे हैं प्रजापति दत्त। नहीं प्रभु, बहिष्कार नहीं, संस्कारों को क्लेश से बचाव कर रहा हूं। संबंध समानता में बनाए जाते हैं। शिव और मुझ में समानता कहां है? इसीलिए मैंने महादेव को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया है। वो आपके जमाता है ना प्रजापति? परंतु है तो सन्यासी, मर्यादाओं और परंपरा को नहीं मानने वाला अवगण, और मैं ठहरा वैदिक संस्कारों को मानने वाला ब्राह्मण। आप यज्ञ में शिव को यज्ञ भाग तो देंगे ना प्रजापति? ये कैसे संभव है? महादेव ने स्वयं को अपनी इच्छा से यज्ञ भाग से वंचित किया है। महादेव ने यह कहा था कि जब तक आपकी इच्छा ना हो वे स्वयं को यज्ञ भाग से वंचित रखेंगे। परंतु मेरी इच्छा होगी कैसे माता?
यज्ञ भाग का संबंध श्रद्धा से है और महादेव के लिए मुझे कोई श्रद्धा नहीं है, तो मैं उन्हें यज्ञ भाग दूं कैसे? अर्थात आपके मन से शिव की शत्रुता समाप्त नहीं हुई? मन में बैर भाव रखकर किए गए यज्ञ की सफलता में संदेह रहता है प्रजापति। और महादेव ही नहीं आएंगे तो हमारा आना संभव कैसे हो सकता है? हम त्रिदेव हैं दत्त, हम में से किसी एक का अपमान त्रिदेव का अपमान है, ये आप कैसे भूल गए? सती, इस वृक्ष को देख रही हो? इसकी लटाएं होगी धरती पर, किंतु वृक्ष की चोटी तक पहुंच रही है। यदि किसी कारणवश ये चोटी से नीचे पहुंच जाए तो पुनः इनका मिलन वृक्ष की चोटी से कैसे संभव हो पाएगा? बता सकती हो? लताएं प्रयास करते हुए कुछ समय पश्चात पुनः वृक्ष की चोटी तक पहुंच जाएगी और उनका मिलन हो जाएगा। यही तुम्हारी साधना है सचन, वृक्ष की चोटी आदि शक्ति है और तुम लताएं। जिस प्रकार ये वृक्ष लताओं तक नहीं पहुंच सकता, उसी प्रकार आदि शक्ति तुम तक नहीं पहुंचेगी सचिन। तुम्हें विकास करके ही आदि शक्ति तक पहुंचना होगा सर, और तुम्हारा विकास तपश्चर्य से ही संभव है। तपश्चर्य क्या है? हठ योग से मन, आत्मा और शरीर के संतुलन को प्राप्त करने को तपश्चर्य कहते हैं। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? सब लोग पिताजी के यज्ञ में जा रहे हैं, बस उन्हें ही देखने लगी थी। मन को वश में करो सती और ध्यान मेरी बातों पर केंद्रित करो। इतना सरल नहीं है तपश्चर्या। प्राणियों को कई जन्म लग जाते हैं इस लक्ष्य को प्राप्त करने में। तपश्चर्य को प्राप्त करने के लिए शरीर और इंद्रियों को दुख देकर कष्ट भाव से मुक्ति प्राप्त होती है और कष्ट भाव से मुक्ति प्राप्त करने के पश्चात ही परमानंद मिलता है। तुम्हें भी तभी आदिशक्ति का ज्ञान प्राप्त होगा सचिन। किंतु आप तो बता ही नहीं रहे कि तपश्चर्य के लिए करना क्या पड़ता है। बताया तो सचिन, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पाना पड़ता है। भूख, प्यास, कामनाओं का त्याग करना पड़ता है। इस शरीर के लिए जो कुछ भी आवश्यक है उस सब का त्याग करना पड़ता है। भोजन के स्थान पर केवल पत्तों को ग्रहण करना पड़ता है, फिर पत्तों का त्याग कर केवल जल के सहारे जीना पड़ता है। उसके पश्चात जल का त्याग कर केवल वायु के सहारे जीना पड़ता है। तब कहीं जाकर पांच तत्वों से बना यह शरीर परमानंद के साक्षात्कार के योग्य बन पाता है। तुम्हें भी यही सब करना होगा सती। मैं जानती हूं आप ये सब क्यों कर रहे हैं। मना करना है तो स्पष्ट रूप से मना कर दीजिए, यूं प्रपंच रचने की क्या आवश्यकता है? सती, मैं तुम्हें आदिशक्ति को प्राप्त करने का मार्ग दिखा रहा हूं।
इस मार्ग पर चलकर लक्ष्य को पाने में न जाने कितने वर्ष लग जाएंगे, किंतु हमें आज ही पिताजी के यज्ञ में जाना है। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं आज ही आदिशक्ति को पूर्णतः प्राप्त कर सकूं। अन्यथा हम पहले पिताजी के यज्ञ में चलते हैं, उसके पश्चात वहां से लौटकर अब जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। तपश्चर्या तो सारे जीवन की जा सकती है, किंतु पिताजी का यज्ञ तो आज ही है ना।